कटारिया भी काम तो राखी सावंत का ही कर रहा है, एलविश। वो सिर्फ गुंडेगर्दी करता है, उसी के ऊपर कटारिया उछल रहा है। एक होता है ना कि एक बाप का हाथ होता है तो बच्चा वो स्ट्रांग फील करता है। मेरे पास एक ऐसा वीडियो है इस फोन में जिसमें कृतिका डांस कर रही है एक ओल्ड मैन के साथ, एक बुढ़ा आदमी है, कोई पैसे वाला आदमी और और किस तरीके से नाच रही है वो, बहुत गंदी तरीके से वल्गर डांस हो रहा है। वो बीवी घर में रह रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं तो शॉक थी। कृतिका को उसने नंबर दिया था अरमान का फोटो एक्सचेंज करने के लिए, एंड देन उनकी चैट स्टार्ट हो गई, एंड देन वहां से पूरा इतना इजी नहीं है। सहेली बनी सौतन, और क्या क्या बेचते हैं रोड पे, सैंडविच, डोसा, एंड दैट मोमोज, हजारों लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्यों बिग बॉस को ऐसा नहीं लगा उसमें से कोई उठा के लेके आए? वाई बड़ा पाव गर्ल, पूरा पिया हाय करके, पूरा प्लान करके उसने सब कुछ रचा और वो बिग बॉस में आ गई। उसने बिग बॉस के थ्रू अपने आप को अच्छा दिखाया, नहा धो के संतूर साबुन यूज करके निकल ली। बोला कि लड़कियां यहाँ पे सेफ नहीं है, अरमान ने ही बोला। फिर वड़ा पाव गर्ल बोलती है मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। तेरा खुद का क्या स्टैंडर्ड है वड़ा पाव वाली का, मुझे नहीं पता। शिवानी बदतमीज है, फेक नहीं है। भाभी सुंदर है बोलने पे थप्पड़ मारने की इजाजत है, तो फिर गालियों पे तो मर्डर करना चाहिए ना साई केतन को जाके। हेलो एंड वेलकम टू बजुका टीवी। मैं हूं शिवम। दोस्तों आपको बता दूं कि आज हमारे साथ राजश्री मोरे हैं, नेल आर्ट स्टूडियो की मालकिन। थैंक यू सो मच राजश्री फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स टू यू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत ठीक हैं, लेकिन जब हमने एंट्री की आपने मुझे बताया कि आप डॉक्टर के पास जा रही थी। हाँ जी। क्या हुआ है आपको? इतनी स्वीट, इतनी प्यारी तो लग रही हैं आप। सब लोग हंसेंगे, मेरे ना हाथों में टिंगलिंग हो रही है, न जाने क्यों हो रहा है, और ये अचानक से आ चुका है, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। या तो किसी को थप्पड़ उप्पड़ मारने का मन कर रहा है इसलिए टिंगलिंग आ रही है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ऐसा जब होता है, टिंगलिंग होती है, तो पैसे बहुत सारे आने वाले होते हैं। हाँ वो मेरी दोस्त लेके भाग गई ना दुबई, उसी से वापस ले आना कौन से दोस्त की बात कर रही हैं? है। सबको पता है। वो दोस्त के साथ आज आप भी हैं, अभी भी आप हैं, बातचीत नहीं चलती है। बातचीत नहीं कहूंगी, बट खैर वो गुस्सा चला गया मेरे में से, तो चला गया जी। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, क्या लगता है आपको, क्या रीजन? क्योंकि वो सांप है, नागिन है। नागिन है। एक टाइम ऐसा था, हमने आपको कवर किया स्टार्टिंग से, एक टाइम ऐसा था जब आपकी दोस्ती की चर्चे हर जगह थे, पूरी मीडिया में, कि राखी और राष्ट्रीय का इंटरव्यू कर लो, लाखों व्यूज आएंगे। इतनी अच्छी दोस्ती थी आप लोगों की। क्या हुआ वो यार आना, क्यों, किस लिए? मुझे लगता है लाइफ में कोई भी चीज़ें स्टिल नहीं है, आप भी जानते हैं, कोई भी चीज़ें हमारे साथ रहेगी ऐसा कुछ नहीं है। शायद वो 8 साल ही काफ़ी थे, दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, बट इस तरीके से ख़राब होगी, ख़त्म हो जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। ख़त्म होती शायद, जैसे कि वो आउट ऑफ इंडिया है, मैं यहाँ पे हूँ, देन बातचीत थोड़ी थोड़ी कम हो जाती, वो चलता, बट इस तरीके से खराब होना अच्छा नहीं लगा। खैर आज बहुत बुरा लगता है, उस टाइम तो मैंने भी पुरानी मूवीज देखी थी ना कि बदला लूंगी छोड़ूंगी नहीं एंड ऑल, वो लाला वाली मूवी जो लाला कंगन लेके चला जाता था वो सब, सो इन दैट केस मैं भी काफी वार कर रही थी, बट आप आज कुछ सब कुछ अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। कुछ दिनों पहले राखी बीमारी से जूझ रही थी, अभी भी शायद वो उस बीमारी में है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है, इसीलिए शायद वो इंडिया नहीं आ रही है। आपने बात करने की कोशिश की या आपको बुरा लगा वो सुनकर? क्योंकि हमें बहुत बुरा लगा कि राखी हंसने खेलने वाली लेडी हैं। मैंने जिस दिन ये न्यूज़ आई थी कि उसको अटैक आया है और किसी हॉस्पिटल में है, उस दिन मैंने मोर देन 50 कॉल किए उनसे जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। एक फ़ोन मेरा उठाया गया था एंड देन सीधा कट किया गया, मुझे नहीं पता किसने उठाया, एंड बाकी के मेरे एक भी कॉल का कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं आया। एक कॉल उठाया उसने, कुछ बोला जिसने भी फोन उठाया? ना ना, सिर्फ उठा है, मैं यहाँ से हेलो हेलो कर रही थी और फिर वो कट गया, और फिर कुछ हमारे बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स है उनके थ्रू हमें मुझे पता चला कि अभी उनकी कंडीशन ठीक है अच्छा, चलो बढ़िया है, हमें भी बहुत खुशी हुई है सुनकर कि राखी ठीक जी। है ना, हंसते ही रहे हमेशा। ऑलवेज हंसती रहे जी, हमेशा हंसती रहे, लंबी उम्र रहे, और प्लीज आगे से ना कोई कांड मत कर जाना, अब तो संभाल लो, मतलब सीख लो, इतना सब कुछ हो चुका है, और किसी को काटना भी मत।
ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। फिलहाल राश्री, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बिग बॉस OTT 3 पर भी बोलें, क्योंकि बिग बॉस OTT 3 बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, एक के बाद एक नई कॉन्ट्रोवर्सी। आपको अगर बिग बॉस OTT 3 को रिव्यू करना है तो कैसे करेंगी? क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है? चीज़ें क्या अच्छी लग रही है? तो ये तो वही सवाल हो गया कि किसी के अंदर आपको आप पूछते हैं ना कि आप सडनली आप मुझे बोलो कि मेरे अंदर पांच चीज़ें अच्छी बता और पांच चीज़ें बुरी बता। तो मुझे अच्छी तो चीज़ें याद नहीं आ रही, पर बुरी ज़रूर याद आ रही है। बुरी बता दीजिए। सबसे पहले तो अरमान का वो थप्पड़ विशाल की तरफ। सेकेंड, बिग बॉस का बायस होना। तीसरी चीज़, अब जैसे एक बच्चे को सजा नहीं मिलता है तो सारे बच्चे खराब हो जाते हैं, अब सारे बच्चे खराब हो रहे हैं। देखो, बुरा ही बुरा याद आ रहा है, अच्छा कुछ इस बार याद ही नहीं आ रहा है। पता नहीं OTT क्या ही पता। और हाँ, वड़ा पाव गर्ल, मुझे ये बोलना है, हमारे देश में हजारों वड़ा पाव और क्या क्या बेचते हैं रोड पे, सैंडविच, डोसा, अंडा, मोमोज, हजारों लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्यों बिग बॉस को ऐसा नहीं लगा उसमें से कोई उठा के लेके आए? वाई वड़ा पाव गर्ल 6 महीने पहले पूरा प्लान करके, पूरा PR हाई करके, पूरा प्लान करके उसने सब कुछ रचा और वो बिग बॉस में आ गई। हम एज अ व्यूअर पागल नहीं है, हमें सब समझ में आता है। और क्या किया उसने अंदर आके, जो उसकी रियल पर्सनालिटी थी वो तो अंदर दिखी ही नहीं। हालांकि उसने बिग बॉस के थ्रू अपने आप को अच्छा दिखाया, नहा धो के संतूर साबुन यूज करके निकल ली। ये क्या था? हाँ, आपने कहा कि दूसरे जो तीन आपने जवाब दिए उसमें दूसरे वाले में आपने कहा कि बिग बॉस बायस्ड है, क्यों लगता है आपको ऐसा? अरमान ने जो थप्पड़ मारा था, बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल है कि आप फिजिकल टच नहीं कर सकते, तो बिग बॉस बायस है। दोनों सिचुएशन देखनी चाहिए थी। जैसे बिग बॉस ने घर वालों को पूछा, क्या आपको सही लगता है अरमान ने विशाल के ऊपर हाथ उठाया, तो सबने बोला हाँ सही लगता है। तो बिग बॉस को, घर वालों को ये भी पूछना चाहिए था, क्या विशाल ने कुछ गलत बोला है, और वो क्लिप दिखानी चाहिए थी। अगर विशाल इतना ही गलत है और अरमान सही है कि अरमान ने थप्पड़ मारा है और उसको एक स्पेशल केस दिखाया गया है, तो वो इतनी सी क्लिप चलाने में प्रॉब्लम क्या था, क्यों नहीं दिखाई? बायस है। पायल मलिक ने जब स्टेज पर वो आई दोबारा, एक बार एविक्ट होके दोबारा एक बार स्टेज पर आई उन्हें बाद, तो उन्होंने स्टेटमेंट कुछ अलग बोला, भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि भाभी बहुत सुंदर लगती हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट हो गया, उन्होंने अलग देखा, कुछ अलग ही बोल दिया? ताव ताव में आके सब काम खराब करने के चक्कर में, अपने पति को और अपनी सौदन को TRP के चक्कर में जो रियल बात बोलनी थी स्टेज पे आके वो तो भूल ही गई। राइट, विशाल ने बोला था कि भाभी खूबसूरत लगती है, मैं वो वर्ड भूल ही नहीं सकती क्योंकि मैंने वो एपिसोड देखा है। उसी के पहले विशाल ने ये भी बोला था कि भाभी आप बिना मेकअप ज़्यादा अच्छे लगते हो। मेरे पास देखे, ये तो वही बात हो जाएगी किसी के कैरेक्टर के ऊपर गलत बोलना। मेरा पर्सनली कृतिका, अरमान और पायल से कोई पंगा नहीं है, लेकिन आप किसी और के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हो। विशाल के बारे में आपने इतना गंदा बोला, लड़कियां उसके बाजू में नहीं बैठ रही है, हालांकि कृतिका 3 लोगों के बाद बैठी थी, तो भी अरमान ने उसको टोका कि तू अंधी हो गई है, तुझे चश्मे की ज़रूरत है, क्या क्या क्या। देन किसी ने बोला कि लड़कियां यहाँ पे सेफ नहीं है, अरमान ने ही बोला। फिर वड़ा पाव गर्ल बोलती है मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, लड़कियां यहाँ पे सेफ नहीं है, एंड कुछ स्टैंडर्ड की बात करती है वो। तेरा खुद का क्या स्टैंडर्ड है वड़ा पाव वाली का, मुझे नहीं पता। और जो अरमान के थप्पड़ के बाद जो चीज़ें जिस तरीके से ख़राब होती गई, मेरे पास एक ऐसा वीडियो है इस फ़ोन में जिसमें कृतिका डांस कर रही है,
एक ओल्ड मैन के साथ, एक बुढ़ा आदमी है, कोई पैसे वाला आदमी है, और वो क्या है, तो वहां पे तो पायल भी पीछे थी, अरमान भी था, तब बुरा नहीं लगा? तब कृतिका को थप्पड़ मारने याद नहीं आया, या उस आदमी को थप्पड़ मारना याद नहीं आया? और किस तरीके से नाच रही है वो, बहुत गंदी तरीके से वल्गर डांस हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पे? मेरे इस फोन में है जो पायल ने मेरे लिए कुछ पोस्ट डाला है एंड बोला है, उसके पहले आप अपनी करतूतें देखो। जब आपने देखा, मैंने भी वो क्लिप देखी जहाँ पर पायल ने नील आर्ट स्टूडियो करके ऐसे मेंशन किया है, आपका नाम नहीं लिया है, बहुत सारी चीज़ें बोली है, आई एम श्योर आपने सारी चीज़ें देखी होगी क्योंकि आपके बारे में ऑफकोर्स बोली गई है। क्या वो चीज़ें आपको बुरी लगी? मुझे चीज़ें बुरी नहीं लगी, बट जिस तरीके से बोला है ना, वो पूरा सच नहीं है, वो आधा सच है। उसने ये बोला है कि कुछ लोगों का उसने वीडियो देखा है, कुछ लोग मुंबई से पहले कॉल करते हैं कि हमारे स्टूडियो आना, हमारे स्टूडियो आना, हमारे सलोन आना। हालांकि मैं उसको कहना चाहूँगी, मेरा सलोन नहीं है, मैं स्टूडियो चलाती हूँ। और देन उसने ये बोला कि पहले तो हमें इन्वाइट करते हैं, पहले तो हमें, पहले वो बहुत अच्छे होते हमारे साथ, फिर उसके बाद अचानक से उनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता है, एंड देन किसी के मुद्दे में कूद जाते हैं। पहली बात, मैं पायल को, अरमान को और कृतिका को नहीं जानती थी, कभी नहीं जानती थी। हमारे बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स है, उनके थ्रू मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, मैं वहाँ पे अवेलेबल थी। तो उतने में फ़ोन मेरी तरफ घुमाया गया, देन मैंने बात की, मैंने पायल से, कृतिका से, अरमान से, तीनों से बात की। उन्होंने मुझे मुझसे बोला कि अरे राजश्री, हम आपको जानते हैं, आपका मुंबई में नेल आर्ट स्टूडियो है, हम आएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। मेरे का प्लीज़ मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से काम होता है, तो हर कोई बोलता है, राइट? कल को मैं बोलूँगी आप, मैं आपके घर आऊँगी, तो आप बोलोगे प्लीज़ आना, चाय पी के जाना। तो वो वही वाली बात थी। देन फोन रखने के बाद मैंने उस इंसान को बोला कि ये लोग कौन थे, तो उसने बोला कि ये अरमान है, ये इसकी दो बीवियां हैं जो बहुत फेमस हो रहे हैं अभी इन दिनों, और शायद ये लोग बिग बॉस में भी आ रहे। तब मुझे पता चला कि अच्छा, दो बीवियां घर में रह रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं तो शॉक थी, कैसा भी होता है। मैं नहीं जानती थी अरमान को, पायल को और कृतिका को। जिस तरीके से इसने बोला है पायल ने कि पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें कॉल करती थी, मैंने कभी कॉल नहीं किया है पायल को, एक कॉल डिटेल से निकाल के दिखाते हैं। ये तो रही आपकी बात, लेकिन कृतिका, पायल एंड अरमान, जब वो तीनों अनिल सर के साथ स्टेज पर थे, उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, कैसे कृतिका, अरमान और पायल के बीच में आई, पायल एक तरीके से रोने लगी थी, वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि एक हफ्ते के लिए वो हमारे घर आई थी, देन इनकी केमिस्ट्री बनी, देन वो दे स्टार्टेड डेटिंग, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मुझे पता लगा तो आई वॉज ब्रोकन कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, शी क्राइड। ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि उस स्टेज पर आके बोलनी चाहिए थी? सबसे पहले तो स्टोरी तो कोई भी पूछेगा, या तो ये घर से रट्टा मार के स्टोरी बना के लाए थे, या तो वो सच था, हर कोई पूछता है, अरे आप किस क्या था, फिर शादी कैसे हुई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो जब स्टोरी बताई जा रही थी, सब लोग शॉक थे। उसने ये बोला था कि कृतिका को उसने नंबर दिया था अरमान का, फोटो एक्सचेंज करने के लिए, एंड देन उनकी चैट स्टार्ट हो गई, एंड देन वहाँ से पूरा किस्सा स्टार्ट हुआ। तो आज के टाइम तो नॉर्मल घर में भी लड़कियां डरी हुई है, औरतें डरी हुई है, क्या हमारे घर में हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाना चाहिए या नहीं चाहिए। खैर, हर बेस्ट फ्रेंड ऐसी नहीं होती है, मेरा भी, मेरी एक दोस्त ने नाम खराब किया था, ऐसा नहीं होता है। बट ये ज़रूर कहूँगी कि इतना इजी नहीं है सहेली बनी सौतन, इजी नहीं है जिस तरीके का ये दिखाया जा रहा है। जब तक तुम लोग अपना यूट्यूब पे कर रहे थे, अपने आप को फेमस कर रहे थे, अपने पैसे कमा रहे थे, वो तुम्हारी चॉइस थी, लोग तुम्हें फॉलो कर रहे थे, लोग तुम्हें सब्सक्राइब कर रहे थे, वो लोगों की चॉइस थी, राइट? बट आपको बिग बॉस में लाना, तो ये तो बिग बॉस की चॉइस थी। आज हमारी संस्कृति को इस तरीके से उछालना, ये सब बिग बॉस ने किया है, और मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मुझे सही नहीं लगता। लवकेश कटारिया की अगर मैं बात करूं, तो विशाल ने उनके कान में ही बोला था कि भाभी सुंदर लगती हैं, उसके बाद भी उनका सपोर्ट नहीं आया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगा थोड़ा वो वे में था। शायद आपने देखा भी होगा, पूरी दुनिया ने देखा, जो जो बिग बॉस देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये दोस्ती पर धब्बा है? दोस्ती से लोग अभी भी विशाल उन्हें ट्रस्ट कर रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। विशाल अभी भी इनोसेंट है,
खैर उसको कुछ पता ही नहीं है। एक सीन ऐसा भी हुआ था थप्पड़ मारने के पहले, किचन में कटारिया था, अरमान थे और कोई और भी वहाँ पे अवेलेबल था। तब अरमान ने बोला था कटारिया को, अगर भाई तेरे साथ ऐसा हो, तेरे घर में ऐसा होगा तो तू क्या करेगा? तो कटारिया ने बोला था, मैं तो लप्पड़ पे लप्पड़ मारूंगा। तो ये मुझे नहीं पता कि अरमान को वो ख्याल वहाँ से आया। फिर किसी के बोलने के बाद एक हिम्मत बढ़ती है, कभी बताया भी जाता है अरे खाने में नमक कम है, थोड़ा सा नमक डाल ले। तो वो एक नमक डाला था कटारिया ने, उसके बाद हाथ उठा है। या जैसे कि अरमान का नाम वैसे भी खराब है पहले से ही कि वो एक क्रिमिनल है, तो और जिस तरीके का वो लग दिखता है, वो जो दिखाता है, या उसके स्वभाव में किसी के ऊपर हाथ उठाना है, उसने इसलिए हाथ उठाया है। बट उसने हाथ उठाया है या उसने खुद ने उठाया है, उसको करवाया है। पर हाँ कटारिया की बात, कटारिया भी काम तो राखी सावंत का ही कर रहा है विशाल के जिंदगी में, तो गलत है बहुत सारी चीज़ों पे वो गलत है। जैसे उसने बोला कि उसने गलत वे में ही बोला था, उसने ये बात तो बोली ही नहीं वहाँ पे जब झगड़े स्टार्ट हो गए मारने के बाद, कि विद इन अ सेकेंड विशाल ने ये बोल दिया था कि इन अ गुड वे, उसने एक बार भी ये बात नहीं बोला था कि इन अ गुड वे, इन अ गुड वे उसने बात क्लियर कर दी थी। पर कटारिया ने बात बोली ही नहीं थी, कहता शायद मैं भूल गया था, मेन बात तो भूल गया, आग लगाना तो भूला नहीं, कि मैं तेरे जगह पे होता तो मैं लप्पड़ पे लप्पड़ मारता। तो काम तो सांप वाला ही कर रहा है कटारिया भी अभी। इनफैक्ट बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है सारे, उन लोग भी यही बोलते हैं और बाहर भी लोगों का यही पर्सपेक्टिव है कि लवकेश कटारिया एल्विश यादव के दम पर है बिग बॉस के घर में, और उनकी ही आर्मी उन्हें सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट अनिल सर ने भी उनसे खुद बुलवाया था कि भाई ऐसा बोलो कि मेरी आर्मी मुझे सपोर्ट करे, उनकी आर्मी उन्हें सपोर्ट करे, मुझे सिर्फ लवकेश कटारिया आर्मी चाहिए बिग बॉस के अंदर, एल्विश आर्मी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक है कि दूसरे के दम पर बिग बॉस में आना एंड देन दूसरे के सी, इसमें मैं हेल्पिंग हैंड कहूँगी, अगर किसी के थ्रू अगर कोई जा रहा है, एक हेल्पिंग हैंड कहूँगी, बट पूरी आगे की जर्नी भी उसी के ऊपर चलाना तो फिर वो गलत है, फिर वो अपने दम पे कुछ भी नहीं कर रहा है। और रही बात लाइक एल्विश का, तो मैंने आज भी कुछ एक क्लिप दिखी थी, वो मजाक बना रहा था, नई जो एंट्री हुई है वो लड़के का, अदनान का मजाक बना रहा था। और एल्विश का तो बैकग्राउंड क्या उसका, लाइक मैं तो उसका प्रेजेंट और उसका बैकग्राउंड सभी लोग जानते हो किस मिजाज का है, स्पेशली एल्विश, वो सिर्फ गुंडेगर्दी करता है, वो पता नहीं अब क्या ही बोलूँ एल्विश के लिए अब। ठीक है, मैं डरती तो किसी से नहीं हूँ, खैर हाँ पर आप भी जानते हैं, एंड उसी के ऊपर कटारिया उछल रहा है। एक होता है ना कि एक बाप का हाथ होता है तो बच्चा वो स्ट्रांग फील करता है, तो एल्विश का हाथ कटारिया के ऊपर है इसलिए वो सब इतना स्ट्रांग और इतनी हरकतें करता है। लेकिन एल्विश को सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, इसी की वजह से शायद वो विनर भी बन गए थे पिछला जो सीजन था ओटीटी का, ओटीटी 2। आपको लगता है कि ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करने चाहिए जो गुंडा लाइक अपने लाइक यू सेड की गुंडागर्दी करते हैं खाली? वो मैंने सुना था वो विनर नहीं बने थे, उनके फॉलोवर्स ने आके पूरे बिग बॉस के घर पे हल्ला बोला था, एंड देन बिग बॉस को पूरे टीम को सबको क्रिएटर्स को सबको मैंने ऐसे सुना था। हालांकि मैं हम भी बहुत सारे हमारा ग्रुप है इंडस्ट्री से, तो उनको ऐसा फैसला लेना पड़ा कि यहाँ पे सेट वेट ना टूटे, उनके ऊपर इतना फोर्स किया गया उनको, और इस वजह से एल्विश को विनर बनाना पड़ा, मैंने ये सुना था। ये तो बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग लगती है फिर। अब हो सकता है यहाँ उनको भी डंडे मार मार के फैन करवाया है, पता नहीं। अभी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है अदनान शेख की, उनके 11.5 या 7 मिलियन कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और शायद इसीलिए उनकी एंट्री हुई है क्योंकि फैन फॉलोइंग उनकी भी स्ट्रॉन्ग है। आप मिली हैं उनसे, आप जानती हैं उनको? अदनान को मैं एक बार मिली हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स है, हम लोग लोखंडवाला में ही मिले थे, अच्छा लड़का है, हमने बातें भी की थी। अच्छा, आते ही उन्होंने
एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है प्री प्लान करके आए हैं सारी चीज़ें, फटाफट सारी चीज़ें बोल रहे हैं। दीपक चौरसिया सर के साथ भी उनकी कुछ बात बहस भी हो गई, जिसमें लोग बहुत अलग अलग कमेंट भी कर रहे हैं कि ऐसे डिसरिस्पेक्ट करके बात नहीं, आपसे बकबक कर रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि आपसे बकबक कर रहे हैं। लोग बहुत अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं कि भाई वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ऐसे नहीं बात कर सकते, भले ही वो गलत हैं लेकिन आप उनसे ऐसे नहीं बात कर सकते ऑन कैमरा। ये बात केवल और केवल मैं अदनान के लिए नहीं, ये बात काफ़ी लोगों के लिए है, कटारिया के लिए है, विशाल के लिए है, अदनान के लिए है एंड शिवानी के लिए है। ये चारों को ट्यूशन की ज़रूरत है, इनको ठीक से पढ़ाया नहीं गया है घर पे कि बड़े क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं। ठीक है, आपको आर्ग्यू करना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप रखे, बट विद द रेस्पेक्ट, आप इज्जत से वही बात समझाइए। इसके लिए आपको ये आपकी परवरिश मत दिखाओ कि आपकी परवरिश किस तरीके की हुई है। झगड़ा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कोई गलत नहीं है। तो ये चार लोगों को बिग बॉस को लगता है जैसे बिग बॉस बायस हो रहे हैं ना, तो बिग बॉस एक थोड़ा वक्त निकाल के आप इन चार लोगों को ट्यूशन भी दिला दो और क्या। ओके, शिवानी की अगर मैं बात करूँ, शिवानी का आपने नाम मेंशन किया, अब शिवानी को घर में भी लोग ऐसा बोलते हैं, पॉलमी ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि भाई गांव की लड़कियां ऐसी नहीं होती है, गांव की लड़कियां बहुत सुलझी हुई होती हैं, मैंने भी गांव के मेरे दोस्त हैं। आपको लगता है कि शिवानी फेक हैं, क्योंकि कई लोगों ने फेक भी उन्हें बोला कि यार ऐसे फेक भी हो सकती हैं, जो जिस तरीके का लैंग्वेज वो यूज़ करती हैं वो बनावटी भी हो सकता है, या थोड़ी बदतमीज़ी भी करती हैं, लाइक यू सेड कि ट्यूशन की ज़रूरत है उन्हें। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है? मैं कहूँगी शिवानी बदतमीज़ है, फेक नहीं है, उसकी लैंग्वेज सिर्फ यही रहती है। हाँ, दूसरी चीज़ वो बस कैमरे के लिए करती है जो भी करती है ना, अगर वो एक्स्ट्रा रोना धोना वो तो चलो सब ड्रामाबाजी, वो आई बिग बॉस खेलने के लिए है, अगर वो कैमरे पे नहीं दिखेगी तो कैसे चलेगा। बाकी वो जो भी ड्रामा करती है वो परफेक्ट है, फेक नहीं है बट बदतमीज़ है। और कौन कौन किसकी, अभी तो हमने देखा कि साईं और कटारिया की गाली गलौज भी हो गई बहुत जोरों शोरों से, यू नो प्रोमोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं रील्स तक, आजकल रील से धड़ाधड़ वायरल हो जाते हैं, ओवरनाइट चीज़ें वायरल हो जाती है, गाली गलौज भी हुई, लाइक हम बात भी कर रहे थे कि किंग 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 करके गालियाँ दिखाई गई है, बहुत ओवर हाइप्ड हो गए थे साईं। कटारिया की बात करूँ तो कटारिया थोड़े से लो दिख रहे थे उस टाइम पे, लोग बोल रहे थे कटारिया डर गए। उस पूरे इंसिडेंट के बारे में आप क्या? बिल्कुल, अगर भाभी सुंदर है बोलने पे थप्पड़ मारने की इजाज़त है तो फिर गालियों पे तो मर्डर करना चाहिए ना साई केतन को जाके। अब तो ये बिग बॉस का दिया हुआ तो हथियार है, कोई कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। किचन के अंदर तो वहाँ पे चाकू भी है, नाइफ भी पड़ी हुई है, कल को किसी की नस भी काट दो तुम लोग गुस्से में जाके। ये बिग बॉस ही, जब किसी को शेय दी जाती है ना तब जाके कोई और उसका यूज करता है। अब इनको भी लगता होगा भाई हम भी हमारा स्पेशल केस रखेंगे, अगर अरमान को स्पेशल केस दिया है तो ये सेकंड स्पेशल केस टू हो जाएगा साई केतन का और कटारिया का। ठीक है, अच्छा अगर आपको मौका मिलता है बिग बॉस OTT 3 के घर में जाने का तो वो ऑफर आप झट से हाँ करेंगी कि थोड़ा टाइम लेंगी? मैं हाँ करूंगी। क्यों? मैं काफ़ी सालों से बिग बॉस देखती आई हूँ, फॉलो करती आई हूँ, काफ़ी बिग बॉस में जो लोग गए मेरे ग्रुप वाले हैं, और जिस तरीके का हम रोज़ाना ये शो देख रही हूँ ना, तो मैं ना देखना चाहती हूँ कि यहाँ बोल के यहाँ बैठ के टीवी पे किसी को देख के इस तरीके से जो मैं जज कर रही हूँ या मैं सच्चाई देख रही हूँ मैं नहीं जानती, तो मैं खुद भी वो घर के अंदर जाके वो जी के वो सब देखो क्या सच में यहाँ पे इतना अत्याचार होता है या ये सब ड्रामेबाजी है या क्या सच में ये काले पानी की सजा है या सब नाटक ही है। थैंक यू सो मच राजश्री फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। लास्टली जाते जाते लोगों को ये बता दीजिए कि बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन हो सकता है आपके हिसाब से, या टॉप 3? मैं तो चाहती हूँ रणवीर जी हो। रणवीर जी? जी, मेरे तो मेरे 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 तीनों और मैं तीनों रणवीर जी को ही दूंगी, मेरे सबसे फेवरेट ही वही है, सबसे समझदार भी वही है, अगर कोई सही एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज भी है तो वो भी रणवीर जी ही है। आई एग्री, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।